है? गुलाबो ठीक है ना? वो कहाँ गई? अचानक पुलिस क्यों आ गई? वो गायब हो गई? सब ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा था ना, हमें सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अब उस तमाशे की वजह छुपाने के लिए हमें नीचे इतना बड़ा तमाशा चल रहा था, वो सब तो तुमने सुन लिया। और जो प्रिंसिपल चीख चीख कर कह रहा था, तुम्हें वो नहीं सुनाई थी? हाँ, जिसका मुझे डर था वही हुआ हीर। बस फिलहाल तुम एक साल तक किसी को सच नहीं बता सकती, एटलीस्ट जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाती, वरना ये लोग तुम्हें पढ़ाई तो दूर अंदर घुसने तक नहीं देंगे। हीर, एक बार तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद चाहे तुम सबको सच बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो बस मुझे सौम्या जी की टेंशन हो रही है। क्यों, क्या हुआ गुलाबू को? हीर, तुम्हें बचाने के लिए वो तराना के रूप में आई थी, और नीचे पुलिस आकर सारे किन्नरों को उठाकर ले गई अपने साथ। तो हम सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं गुलाबू से मिलने। चलो हीर। अरे एंजल ने तो फुल तैयारी करी थी तुम्हारी सच्चाई सबको बताने के लिए। ये तो सौम्या जी सही टाइम पर आई और सब हैंडल कर लिया। तुम फिक्र मत करो, मैंने हरमन सिंह को कॉल किया था, वो गए हैं पुलिस स्टेशन, वो उनको छुड़ा लेंगे। तो फिर विराट एक काम करते हैं, हम मेरे घर ही चलते हैं, सीधा गुलाबो भी वहीं आ जाएगी, हम मिल लेंगे। चलो हाँ प्रीतु, सब ठीक हो गया है? सौम्या ने सब संभाल लिया है। हीर के लिए सौम्या जेल चली गई। हाँ, लेकिन तू फिक्र मत करना प्रीतु, मैं उसे वहां से बाहर निकालूंगा। बस हम लोग अभी घर नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, तू अपना और सौम्या का ध्यान रखना। हाँ प्रीतु, तू अपना ख्याल रखना। मम्मी जी क्या हुआ है? मुझे पूरा हक है जानने का, बताइए कि क्या हुआ है। अपने आप और अपने हक के सिवा तुझे कुछ सूझता है माही? शर्म कर और उस सौम्या को देख। हीर को बचाने के लिए आज वो जेल तक चली गई, अपने अस्तित्व के साथ सबके सामने आकर खड़ी हो गई, उस कॉलेज के दरवाजे अपने आप के लिए हमेशा के लिए उसने बंद कर दिए। इसे कहते हैं त्याग, अपनों की तकलीफ अपने सर उठा लेना। लेकिन तूने तो सिर्फ तकलीफ देना सीखा है, तू चली क्यों नहीं जाती माही? हम सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? चली जा। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट किधर है? I'm so sorry, I don't know. So rude. न्यू एडमिशन की इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? वहाँ उस तरफ। Thanks. आखिर विराट गया कहाँ? बताएगी किसका फोन था? अजीत जी का फोन था। क्या कहा उसने? इससे पहले कि करीना हीर का सच पूरे कॉलेज को बता पाती, सौम्या जी वहां आ गई और पूरा खेल बिगाड़ दिया उन्होंने। जब तक मैं जिंदा हूँ,
तब तक आप लोगों का ये खेल कभी पूरा नहीं होगा। हो हमारे घर के मंदिर में कदम नहीं रख सकती। हाँ मैं एक किन्नर हूं और मुझे माता रानी ने बनाया है। और मुझे कर कर समाज ने बहुत आसानी से कह दिया कि सिर्फ मर्द और औरत का पैदा होना जायज है। किन्नर तो किसी पाप का नतीजा है। लेकिन माता रानी ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। फर्क करना तो सिर्फ इंसान ने सिखाया है। हम किन्नर भी आप सब लोगों की तरह जायज हैं और पवित्र हैं। हाँ अगर कोई फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि भगवान ने हमें दूसरों को दुआएं और आशीर्वाद देने की शक्ति दी है। और आज मैं आपको दुआ देती हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे ताकि आप अपना इकलौता बचा हुआ बेटा खो ना दें। हां हूं मैं एक किन्नर और ये मेरा असली रूप है। हीर का भी, लेकिन वो इस रूप में तब आएगी जब मैं चाहूंगी। लेकिन अभी मैं ये चाहती हूं कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ताकि वो दूसरे किन्नरों के लिए एक मिसाल बने। अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखे, अपने अस्तित्व और अपने पहचान को पूरे गर्व के साथ अपनाएं और दूसरे किन्नरों को भी ये सिखाए।
मेरी बात कान खोल कर सुनिएगा, क्योंकि मैं वापस ये बताने यहां नहीं आऊंगी। हरक जी, हरक जी सुनिए। मम्मी जी, सौम्या को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी होती, मैं खुद ही कर लेती अगर आप लोगों ने मुझे उस कमरे में बंद ना किया होता। तो की कर लेंदी तू, क्या खुद कर लेती? ओ इतने सालों में हमारा विश्वास नहीं जीत सकी तो की कर लेंदी तू? हर बार मैं कर लेती की कर लेंदी तू? बकवास ना कीता कर, ते तो पिठा छुड़ान वास्ते पता नहीं किथे जाके छुपते पए है। हाँ तो ठीक ही है ना पापा जी, अच्छा ही है भागते फिरे छुप छुप के मुझसे, मैं भी यही चाहती हूँ और मैं भी उन लोगों को भगाती ही रहूंगी। अब देखना इतना परेशान करूंगी ना मैं हरमन और सौम्या को, क्योंकि हीर को तो समझ में आता नहीं है कि क्या गलत है। मुझे तो पता है ना कि क्या गलत है और गलत के साथ अब मैं गलत ही करूंगी। मम्मा, मैं तो यहां गुलाबों से मिलने आई थी मम्मा, पर वो और हरमन सिंह आपसे छुपने के लिए इस घर से दूर चले गए। कौन सा रूप देख लिया मैंने अभी अभी आपका? हरमन सिंह ने मुझसे कहा था वो सब संभाल लेंगे और मम्मा मुझे पूरा भरोसा भी है उन पर, वो संभाल लेते, पर आप तो उन्हें कुछ संभालने नहीं दे रही, दुश्मन बनी हुई है उन दोनों के पीछे। आपकी वजह से उन दोनों को घर छोड़कर जाना पड़ा। वैसे तो आपका सच मैं बहुत पहले से जानती थी, पर मैंने विराट को नहीं कहा। वैसे बहुत अजीब सी बात है ना, घर का कोई भी शुभ काम हो या कोई भी शगुन हो तो आप किन्नरों को बुलाती हैं दुआएं और आशीर्वाद देने के लिए, और दूसरी तरफ उनका पैदा होना आप अपशगुन मानती हैं। कोई किन्नर पैदा हो या ना हो, इसका फैसला हम लोग नहीं माता रानी लेती हैं। तो फिर आप कौन होती हैं फर्क करने वाली? क्यों हीर के साथ ये बदसलूकी कर रही हैं आप? बस बंद करो मुझ पर इल्जाम लगाना। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने कॉलेज में किन्नर भेजे? परमीत जी, आप डीएसपी साहब की पत्नी हैं तो आपके गुनाहों की कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। एंजल ने जिस फोन से कॉल किया था ना, वो फोन पुलिस के पास पहुंच चुका है, बस इंतजार कर रहे हैं मेरा। एक कॉल करूंगा ना, सारे सबूत मिल जाएंगे। और डीएसपी साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है आपको कोई सजा नहीं मिलेगी? कानून सबके लिए एक बराबर होता है और कानून तक पहुंच हमारी भी है,
एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, हीर अकेली नहीं है, हीर का बाप हरमन सिंह अभी जिंदा है। देखिए हरमन सिंह जी, मैं मानता हूं कि गलती हुई है, खत्म कीजिए मामला, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अमित, मैं बात कर रहा हूं ना, चुप रहे। हरमन जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि प्लीज विराट को इन सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी भाभी और उसकी माँ ने अंजल के साथ मिलकर ये सब कुछ कराया था। अगर उसे पता चल गया तो घर छोड़कर चला जाएगा और आप तो जानते हैं कि हमारा एक ही बेटा बचा है। प्लीज, हम भी नहीं चाहते हैं कि आपका घर बिखरे, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं विराट को जाकर सब सच बता दूं। और हाँ, हीर अकेली नहीं है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार साया बनकर खड़ा है। और उसका पति भी, इसलिए भूल से भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो अगली बार मैं बातों से नहीं हाथों से काम लूंगी। आखिरी बार कह रही हूं और मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर हीर को आज तक भी पहुंची तो इस घर को राख कर दूंगी। और ये एक किन्नर का वादा है और आप सभी लोगों को मेरी आखिरी चेतावनी भी। चलती हूँ। संभालो खुद को प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मामा, आपको क्या लगता है ये सब करने से हरमन सिंह आपके पास आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे वो अपनी गुलाबों को, पता है क्यों? आइए मेरे साथ। हरमन सिंह को देखिए मम्मा, ये मुस्कुराहट, ये खुशी उन्हें उनकी गुलाबों से मिली है। क्योंकि प्यार के अलावा उन्हें अपनी गुलाबों पर बेइंतहा विश्वास है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पर वो उन्हें और उनकी फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और कभी गई भी नहीं। प्यार का साथ होना मम्मा कितना जरूरी होता है ना, कि मैंने समझा विराट से शादी करने के बाद। मैंने विराट को कितनी बार छोड़कर जाने की कोशिश की पर मम्मा विराट ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। और आज मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाऊं, विराट मेरे साथ होगा। और यही विश्वास है हरमन सिंह को अपनी गुलाबों पर।
और जानती है गुलाबों ने वो विश्वास जीता है जो मम्मा आप कभी नहीं जीत पाई। ये फर्क है गुलाबो और आप में। गुलाबो दूसरों के लिए जीती है, इसीलिए गुलाबो ने आज तक लाइफ में प्यार कमाया, रिश्ते कमाए, भरोसा कमाया। लेकिन आप अपने लिए जीते जीते इतनी सेल्फिश हो गई कि आपने दूसरों की खुशियां उजाड़ दी। मम्मा इसीलिए आज तक आप सिर्फ और सिर्फ नफरत कमा पाए और कुछ नहीं। आज आपने रिश्तों और भरोसे के साथ साथ मुझे भी खो दिया। मम्मा हीर तू तो मेरी मत कहिए मुझे अपनी बेटी। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आज आपने वो हक भी खो दिया मम्मा।